भाजपा कार्यालय पर अखंड रामायण का पाठ शुरू हुआ। राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त होने के बाद भाजपा रामचरितमानस का पाठ करवा रही है। रामचरितमानस का पाठ पूर्णिमा पर हो रहा है। भाजपा कार्यालय पर कल होगा हवन प्रसाद का विवरण। वहीं भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि देश के हित में फैसला हुआ, देश के लिए फैसला हुआ है। वहीं भगवान श्री राम से कहा कि यही कामना है कि पूरे देश में सुखी और समृद्धि बनी रहे, अयोध्या में इस दुनिया का सर्वोत्तम नगर बने। राम मंदिर निर्माण अब केंद्र सरकार के पास है, केंद्रीय नेतृत्व में होगा फैसला। वहीं इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अवधेश पांडे, बादल महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, सुशील जायसवाल, संग्राम सिंह, इंजीनियर रणविजय सिंह, बबलू सिंह मिश्रा के साथ भाजपा के तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ महिला भाजपा के तमाम महिलाएं शामिल रही। कल पूर्णमासी का पवित्र दिन है अयोध्या के लिए। वैसे तो पूर्णमासी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। हम सब प्रतिवर्ष अपने अपने घरों पर कहीं अखंड रामायण का पाठ, कहीं पर जो है अन्य कोई न कोई पूजा पाठ कराते रहते हैं। इस बार क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया है और देश के हित में फैसला हुआ है, देश के लिए फैसला हुआ है, इसलिए इस बार हम लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सामूहिक रूप से अखंड रामायण का पाठ रखा है और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि पूरा देश सुखी और समृद्ध बने और अयोध्या जो प्रभु श्री राम की नगरी है वह इस दुनिया का सर्वोत्तम नगर बने। इस दृष्टि से हम लोगों ने इस विषय को रखा। मंदिर निर्माण कब होगा? यह विषय केंद्र सरकार का है, केंद्रीय नेतृत्व का है। वह जब फैसला करेगा तब